चेरी की तरह लग रहे हैं। जैसा हमारा भेजा होता है ना, जब से मैं चल रहा हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ फल मिल रहा है। ये मूंगफली बनता है किसमिस। यहाँ तो देखिए, देख के लगते ही यार, ये सब आदमी अंधेरा में देखिएगा तो डर जाएगा। इसको तो देखा था, देखिए तो एकदम, इसमें पक्का सांप वगैरह हो सकता है। घना जंगल के बीच में हूँ मैं, वो भी एकदम अकेले। ये जो इंद्र पॉइंट का जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड पार्ट है, जो फॉरेस्ट के बीच में मैं अकेला जाने वाला हूँ, ये जो टच है ना नेचर को, जो फील करने वाला टच है ना, एकदम प्यारा है। जो लोग भी ये वीडियो को शुरू कर रहे हैं वो कृपया करके अंत तक देखिएगा। मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ, अगर जो स्क्रीन में मैं आ रहा हूँ, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें नेचर को देखिएगा, और जैसे कि हो गया जो बैकग्राउंड साउंड है ना चिड़िया वगैरह का, जो जंगल का आवाज है वो काफी प्यारा होने वाला है। तो अपने एयरफोन का साउंड बढ़ा लीजिएगा, जो भी जंगल का प्यारा सा साउंड आने वाला है ना वो काफी प्यारा होने वाला है। और जैसे फील करेंगे, हाँ बहुत ही प्यारा नेचर वाला ये वीडियो जाने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी इस तरह का वीडियो आ गया ना, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए जल्दी, तभी तो मैं स्टार्ट करूंगा। जल्दी मैं वेट कर रहा हूँ, एक दो लंबा भी कर, जल्दी जल्दी। ओके चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देख सकते हो क्या प्यारा व्यू है यार। ये है इंदिरा गांधी जी का स्टैचू, और मुझे नहीं लगता कि इतने सुबह कोई और भी आया होगा यहाँ पे। सब दिन को, शाम के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट दिन को ही आते हैं। सनराइज वाला वीडियो आपको दिखा दिया मैंने, इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस दिखा दिया, और ये जगह होटल बोल रहा था रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए देख सकते हो, पहले वहाँ से आना जाना पड़ता था, ब्रिज टाइप बना था। और ये जो भी पानी यहाँ पे ना, एक स्मेल भी मार रहा है, कीचड़ सड़ने का स्मेल आता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है। और ये सब ना सब सुनामी में बर्बाद हुआ है। देखिए देख ही सकते हो क्या हाल है यार जगह का। वीडियो शायद एक बार लंबा हो गया रहेगा, तो लंबा इसलिए है कि रोड पे चल रहा था, साइड में मुझे दिखा यार, देखिए तो घास सूख के ऐसा जैसा कि जल जाता ना, क्या हाल है। ये पानी सच में यहाँ का ठीक नहीं है, तो ऊपर से इतना ज़्यादा स्मेल मार रहा है, क्या ही बोलूँगा। बहुत पुराना पानी यार, 2004 से जमा हुआ है। पीछे देखिए, देख सकते हो, और काफ़ी दूर जाना है, नहीं भागूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा यार, जल्दी पहुंचना भी है। और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि नेटवर्क वगैरह मिलता है, यहाँ पर नहीं है। ऊपर पता नहीं, अगर वो टाइम जब टाइम दिखा तो उसमें देखना पड़ेगा, नेटवर्क दिखा था कि नहीं दिखा था, मैंने देखा ही नहीं यार। तो देखिए देख सकते हो, ये है इंदिरा पॉइंट जाने वाला रोड का हाल, और घना जंगल। ये जगह से मैं अंधेरा में दौड़ दौड़ के गया था, और देखिए देख सकते हो काफ़ी घना जंगल यार वहाँ पे। अच्छा कुछ लोग मिल गए जो पेंट वगैरह कर रहे थे, जो काम है वो यहाँ पर रुक रुक के पेंट कर रहे हैं, एक दिन में तो ख़त्म होने वाला है नहीं, बहुत सारा काम है। 15 दिन एक महीना लग जाएगा उनको यहीं पर रहते हुए, और काम भी करना, और खाने पीने के लिए सामान ये रास्ते से लेने आना लेने जाना। इस जंगल में सबसे प्यारी चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोयल अभी चिल्ला रहा है, कबूतर चिल्ला रहे हैं। जब मैं गया था वो टाइम स्टार्टिंग का टाइम साउंड सुने, वो टाइम काफ़ी ज़्यादा चिड़िया वगैरह चिल्ला रहा था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, टाइम भी हो चुका है 6:21। अब बाइक तक मैं कब पहुँचूँगा पता नहीं। ये है तोता, पैरट उसका साउंड था मतलब, और ये कोयल है, कोयल दिखेगा नहीं, काफ़ी बड़ा पेड़ में कहाँ पर बैठा हुआ पता नहीं, मैंने देखा। मेरे घर की माँ भी चिल्लाते रहता, रात हो या दिन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे, हर टाइम चिल्लाते रहेगा। काफ़ी प्यारा लगता है कोयल का ये सुरीला आवाज़। तो देखिए चलते चलते मुझे मिला है छोटा सा आम, ये है जंगली आम, ये उसका पेड़ है जंगली आम, इसका पत्ती अलग तरह रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल आम का तरह नहीं है, खुशबू आ रहा है यार, काफ़ी छोटा छोटा, कबूतर वगैरह खाने आते गिरा देते हैं। घना जंगल ये सब जगह से मैं दौड़ दौड़ के गया यार, मुझे ऑटो में तो दिखा भी नहीं, टॉर्च मार के पार हो गया, और काफ़ी ज़्यादा
यहाँ तो देखिए इसमें पक्का सांप वगैरह हो सकता है, दूरी रहने में भलाई है। तो ये वीडियो था, एक बहुत साल पहले 2021 में मैंने एक वीडियो डाला था रोडवे टू इंद्रा पॉइंट, वो फर्स्ट पार्ट था जो कि हम इंद्रा पॉइंट पहुँचते पहुँचते रह गए थे। मैंने आपको दूर से दिखाया था, यहाँ पर है इंद्रा पॉइंट करके दिखाया था। ये उसका सेकंड पार्ट है और अभी थर्ड पार्ट भी आएगा। अभी मेन क्या है कि ना यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अभी जो मेन आने जाने का रास्ता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक वाला है पैरट, इससे भी खतरनाक वाला रास्ता, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, ठीक है। वो वाकई डेंजर है, और जैसे रोड के बगल में जो एक एक खाई है ना, मैं वो दिखाऊंगा, बहुत खतरनाक वाला है। पहले बाइक तक पहुंचे, हेलमेट मैं इस तरह लेके आ गया ना, मेन बात क्या कि अगर यहाँ रख दूंगा ना, बंदर वगैरह आ गए तो उसका अंदर का गद्दा वद्दा फाड़ फूड़ के निकाल देते हैं, सुनने में आया है। इसे रिस्क नहीं लेना, नहीं तो लॉक करके आ सकता था मैं गाड़ी पे। अब मुझे ये मिला है, देखिए देख सकते हो, खटाल कतरा है, कहीं जंगली खटाल का पेड़ है क्या? इस पेड़ का फल लगता है कि इस पेड़ का पता नहीं, देखिए सही है। अच्छा रहेगा, मुझे लगता है यही है वो भूतिया पेड़ जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो पे। तो मैं लेके आया हूँ डेरी मिल्क, ये हमेशा मैं कहीं जाने से रखता हूँ, सुबह 2 बजे का निकला हूँ, ब्रश भी नहीं किया, अभी यही खाना पड़ेगा। इससे क्या कि ये मीठा है, और जूस वगैरह भी है, मिक्स फ्रूट और भी कुछ है खाने का, वो बाद में खाऊंगा, इसे खा लेते हैं। ये है डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट, इससे बहुत सारा एनर्जी आ जाएगा अभी मुझे चलने के लिए। तो चलिए, और घना जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहे, ऑटम तो जोश जोश में चले गया। ये आई थिंक ट्रिफन है लगता। मुझे एक फल मिला था, ये एक पपीता का जैसा लग रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या ऐसे दब रहा था, ऐसी दबा रहा था, इसे पता नहीं क्या पानी है, उतना आँखी में चले गए यार, पता नहीं, आई थिंक बादाम बादाम लग रहा है, इसके अंदर कुछ पानी था, देखिए खोलने के बाद ऐसा है अंदर। पता नहीं नारियल नारियल जैसा लग रहा है, पानी ऐसी आंख में जा चुका है, रिस्क नहीं लेने। वेयर इज माई सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइज कर लेंगे, ये मैं अभी भी रखता हूँ। ये सब देखिए, अभी मैंने हाथ से पकड़ा, अब धोने के लिए पानी भी कम है, पीने के लिए कम है, तो इससे काम चला ही सकते हैं। ये डब्बा भी पानी में बिक चुका है समुंदर के, अभी सैनिटाइजर इंद्रा पॉइंट सैनिटाइजर बन चुका है, पानी घुस गया समुद्र का, देख सकते हो। ये है छोटा सा माइलस्टोन, और ये जगह पड़ता है 57 किलोमीटर, इंद्रा पॉइंट अभी पड़ता है 62 किलोमीटर, सुनामी से पहले पड़ता था 51 किलोमीटर, अभी रोड 11 किलोमीटर ज़्यादा लंबा हो चुका है, आई थिंक 11 या 10, ठीक है ज़्यादा लंबा हो चुका है। ये 57 किलोमीटर, ये 57, 58, 59, 60, अभी तक मैं 5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ यार, यकीन नहीं होता कि 5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, सोचने का बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मुझे सच में नहीं लग रहा कि 5 किलोमीटर मैंने कवर कर, मैं सोच रहा ये 5 किलोमीटर में भाग भाग के गया रहेगा, और उससे ज़्यादा हो गया, सही है यार। हाँ ये भूतिया पेड़ देखो, ये भी भूतिया पेड़ है, वाओ सही है यार, देखिए तो देख सकते हो भूत खास से, ये सब भूतिया पेड़ है, देखिए भूतिया पेड़, हाँ यही वाला था लगता है, एकदम गलत हो गया, कहाँ से मैं चल के गया दौड़ के गया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कितना किलोमीटर होगा, वो देख के लगते है यार, ये सब आदमी अंधेरा में देखिएगा तो डर जाएगा। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको तो देखा था, देखिए तो एकदम जैसा मूवी वगैरह में दिखाता ना, कोई चुड़ैल वाला पेड़ रहता वैसे ही लग रहा है यार, ओ घना जंगल के बीच में हूँ मैं, वो भी एकदम अकेले, और भूतिया पेड़ मेरे पीछे।
एक सुपारी और नारियल पेड़ जैसा लग रहा है, एक पेड़ है देखिए, ठीक है। इसको कोम्बा कहा जाता है, आई थिंक वही है, इसे लोग खाते भी है। अगर ये कोई मेन जहाँ पर लोग रहते वहाँ पर होता ना, इतना बड़ा होता ही नहीं अभी तक। इसके ऊपर का जो बीच में रहता है, ऊपर साइड में रहता है अंदर, वो काफ़ी टेस्ट होता है सब्ज़ी, उसका सब्ज़ी बना के खा लेते यहाँ में है बोल के बच के। पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला ये रोड मुझे अभी दिख रहा है, पीछे तो पता नहीं। और यहाँ पे रोड पे धूप भी लग रहा है यार, काफ़ी देर से धूप जंगल के पीछे साइड लग रहा था, अभी धूप रोड पे गिर रहा है। इसका पता नहीं कितना पार्ट बनने वाला है, आई थिंक 1-2-3 पार्ट बनेगा लग रहा है। लंबा जगह, प्लीज एडजस्ट कर लो। ये सब जगह ना फ्यूचर में चेंज हो जाएगा यार, इसलिए मैं ऐसे पूरा ले रहा हूँ, ये फ्यूचर में जंगल रहे ना रहे, इसलिए आज कैप्चर कर लेते हैं, फ्यूचर का पता नहीं है। बहुत अच्छे लगते हैं यार जंगल वगैरह पेड़, फ्यूचर नहीं रहा तो बर्बाद, क्या होएगा पता नहीं फ्यूचर, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसका भी नहीं पता है। देखिए हम रहे ना रहे ये सब तो होना चाहिए यार। देखिए देख सकते हो ये क्या है, पता नहीं नाला है लगता, और नाला मुझे जहाँ दिखता है मुझे तो यही लगता है कि मगर हो सकता है। ग्रेट निकोबार का ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें मगर ना हो, इसलिए यहाँ भी डाउट लगता है। देखिए तो इसमें टू व्हीलर लाना तो कीचड़ में गया वीडियो का चक्कर में, छट छट भीगाना नहीं था और भीग गया, और ये पानी से धोना पड़ेगा अभी। और कोई चारा ही नहीं है क्योंकि पहले बालू बालू था, अब पैरों की उंगली की साइड पे ना सैंडल से छिल छिल के चोट जैसा हो गया है। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुका है, नीचे सब लेवल था, मैं काफ़ी देर से चल रहा था लेवल रास्ता था, उसी से मुझे मालूम चल गया था कि मैं इंद्रा पॉइंट पहुँचने वाला हूँ। दूर से मैंने देख लिया था कहाँ पर पहाड़ी है कहाँ पर कितना ज़्यादा दूर है, मतलब 6 किलोमीटर लेवल जगह में 6 किलोमीटर है। अब ये चढ़ाई उसे मैंने 30-40 मिनट्स में कवर करा यार, सही है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं ना, सब में ऐसा लगता है ना देखने में वो जीवित है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, जैसा कोई मूवी वगैरह में दिखाता है ना वैसे ही लगता है। पीछे वाला पेड़ को भी देखिए, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर हाथ फैला के खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है यार। वो भूतिया पेड़ तो सही था। जब से मैं चल रहा हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ फल मिल रहा है, अब क्या मिला है पता नहीं। ये पेड़ क्या लगते है, ये वो ये छोटा एप्पल देखो ग्रीन में भी है, येलो एप्पल छोटा वाला, कुछ कुछ मिल ही रहा है रोड पे मुझे, कुछ कुछ मैंने छोड़ दिया, बहुत कुछ है देखे। ये देख मूंगफली जैसा फल, छोटा मूंगफली, जंगली मूंगफली। यहाँ पर देखिए ऐसा में मिला है, ये पक चुका है, किसमिस जैसा हो चुका है, देखिए इसमें मिला, इससे फट के गिरा वाला है, ये कच्चा है, कच्चा मूंगफली किसमिस बन चुका है, ये मूंगफली बनता है किसमिस। फिर यहाँ पर मुझे मिला है देखिए, ये है लगता जंगली बादाम, ये कबूतर वगैरह खा के ठट्टी वगैरह करके गिरा देते हैं, आई थिंक जंगली बादाम मेरे घर का वहाँ भी मिलता है। चलो आगे बढ़ना है, ये सब बिनता रहा ना शाम तक भी मैं घर नहीं पहुँचूँगा। यहाँ मुझे मिला है ये, आई थिंक क्या है, हाँ ये भी एक आई थिंक जंगली आम है, ये बैगनी कलर में लग रहा है यार, क्योंकि ना खुशबू आ रहा है आम का। छोड़ो इसको भी, शाम तक ही घर पहुंचूंगा पक्का। यहाँ पर जंगली आम पूरा यार बैगनी वाला, देखिए देख सकते हो ये पकने बाद काला हो जाते हैं। यहीं पर पेड़ है, ये जंगली आम नहीं आ रही कुछ है, बहुत सारा यार, अब बिंदे नहीं बैठ सकता। देखें और एक एक फल मिल जाए, ये वही लगता है जंगली बादाम का, देखो तो एकदम सही मस्त लग रहा है यार,
ये उसका छिलका लगता बाहर का, इसके अंदर गिरता है। कुछ ना कुछ मिलता ही है, ये सही है, मज़ा आ गया। देखिए तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, मुझे दो मिल गए। देखो ना डिज़ाइन, जैसा हमारा भेजा होता है ना वैसा कुछ डिज़ाइन है इसका। वैसे तो मैं यही बोलूँगा, ये कुछ कुछ जगह टू व्हीलर वगैरह भी नहीं चला सकते यार, मुश्किल है ना। यहाँ पर ला सकते हैं, बीच बीच में ऐसा दलदल वाला कीचड़ है ना, उसे पार करना मुश्किल है। मैंने जहाँ पर गाड़ी रोका था वहाँ पर दो था, एक पार कर दिया, दूसरा फंस गया, उसके बीच में और भी है। अगर ये सब ये जो चढ़ाई वाला रास्ता क्रॉस हो जाए तो फिर टू व्हीलर लेके जा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल, चलना ही पड़ेगा आपको 9-10 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। और आते आते मुझे और एक फल मिला, देखिए काफ़ी प्यारा है यार, यहाँ पर और है, ये देख इसके अंदर भी कुछ है। वो इसके अंदर तो काफ़ी प्यारा चीज़ है लेकिन चिपक रहा है हाथ में। यहाँ पर भी है, चेरी चेरी की तरह लग रहे। तो दोस्तों मैंने गाड़ी किया था वहाँ पर पार्क, और मुझे मेरा गाड़ी दिख चुका है, काफ़ी ज़्यादा खुशी लग रहा है यार। मैं यहाँ में आराम से फल का फ़ोटो खींच रहा था, फल का कुछ कुछ उठाया मैंने, फ़ोटो खींचा आराम से, मैं आ रहा था, मैं सोच ही रहा था और कितना दूर जाना है। मुझे लगा था कि ये चढ़ाई के ऊपर मैंने पार किया था, और गाड़ी दिखा बहुत खुशी हुआ यार। लो अब करेंगे मोटो ब्लॉक, ठीक है। जाने का जो आने का रास्ता ना काफ़ी प्यारा है, आते समय नहीं दिखाया, जाते समय देखेंगे। ये वो जगह था यार, वैसे तो अंधेरा में पता नहीं चल ना साइड से आ सकते ना इस साइड से, ठीक है। बीच से आएंगे तो भी फंसेगा, और ये पानी से आएंगे तो भी फंस जाएगा, इसका पता नहीं चल रहा था कहाँ से आना, अंधेरा तक। अगर धूप वगैरह लग जाए तो काफ़ी दूर तक हम निकल सकते हैं, फिर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब भी रिस्क, हाँ काफ़ी भाई, ये वाला ये नहीं वहाँ वाला पार करा था, ये दो पार करना मुश्किल है यार, ये सेकंड वाला तो एक इम्पॉसिबल है, सेंटर से भी नहीं आ सकता गाड़ियाँ, साइड तो छोड़ ही दो ना, उस साइड ना इस साइड। हाँ तो आज पैदल जाके आ गया, और ये पड़ता होगा वहाँ 57 ने कहते 56-55, ये 55 किलोमीटर पड़ता होगा, 55 या 55.5 समथिंग कुछ किलोमीटर पड़ता होगा। यहाँ से मैंने गाड़ी वगैरह पार कर लिया था, आगे मैं फंस गया। मैं पहुँच चुका हूँ अपने बाइक के यहाँ, तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचा हूँ, 7:15 हो रहा है, ठीक है, यहाँ 5 या 10 मिनट से मैं पहुँच चुका हूँ 7:05 में। मैं वहाँ 6 बजे निकला था, फोटोग्राफी करते करते इतना टाइम लग गया, तो मान लो एक घंटा से ज़्यादा लगा, और जाते समय 40 मिनट या 35 मिनट लगा था, तो सोचो कितना दूर है, 7 किलोमीटर मैं दौड़ दौड़ के गया 40 मिनट्स में, सही है। अभी वापस काफ़ी दूर जाना है, अभी मुझे जाना है, अगर ये 55 है तो अभी मुझे 55 किलोमीटर वापस बाजार साइड जाना होगा, और गलातिया रिवर से मैंने स्टार्ट करा था वहाँ पर पड़ता है वो 47 किलोमीटर, और ये 55। तो चलिए ये वाला पार्ट को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है, लंबा हुआ। अगला पार्ट अभी जाने वाला रास्ता देखेंगे, जो काफ़ी प्यारा बीच रोड के बगल एक एक खाई है ना, वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा सच में, तो वो देखते हैं और ऑफ रोड करते करते जाएंगे, अभी काफ़ी दूर तक ऑफ रोड है, सही रहेगा। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टाटा बाय। हाँ इंटर पॉइंट कैसा लगा मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। मुझे पैर नीचे रखना पड़ रहा है, फिर गहरा खाई है, ठीक है, और रोड के साइड में है, और यहाँ से मैंने आपको इंदिरा पॉइंट वगैरह दिखाया था उस साइड से। तो दोस्तों ये है गलातिया रिवर,